इसका स्पिल ओवर हमें नजर आ रहा है। अब ये तो हो गए इसके कॉजेज या लूपोल्स और इसके इम्पैक्ट्स। अब देखते हैं कि जो गवर्नेंस है हम उसको अगर बेहतर बनाना चाहें तो फिर कैसे बना सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, क्या तरीकाकार हैं जिससे हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास जो वे है जिसकी तरीके से हम अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं वो है डिसेंट्रलाइजेशन या पावर्स को नीचे डिवॉल्व करने का। जब तक पावर्स ऊपर सेंट्रलाइज रहेंगे तो वो एक समझे कि आपको एक मोनार्की या एक डिक्टेटरशिप की जो है वो सेंस दे रहा होता है। अगर एक बंदे के पास ओवरवेलमिंग पावर्स होंगे तो वो उसको मिसयूज़ भी कर सकता है, वो उसको ओवरयूज़ भी कर सकता है, उसका जो मन पड़ेगा वो करेगा। अगर पावर्स एग्जैक्टली डिवॉल्व होंगे, नीचे की तरफ आएंगे, प्रोविंसेस में आएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे, तो फिर एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी एफिशिएंटली काम करेगा और जो है जो इतने ज़्यादा जो मिसगवर्नेंस यहाँ पे हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद हमारे जो है जो एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम है हमें उसको जो है डिवाइस करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम जो है एक टर्म है इकोनॉमी का, इसका मतलब ये होता है कि आप एक एज अ कंट्री की जो पूरी इकोनॉमी है उसको आप कैसे देखते हैं, उसको देखने का जो एक सब्जेक्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हमारे पास ज़रूरत है कि हम जो है अपने मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम को ओवरहॉल करें, उसको जो है बेहतर करें और उसको उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो है सिस्टम बनाए जिसके तरीके से वो चले, वहाँ पे रेगुलेशन हो, हमारे पास रेगुलेशन की लेकेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सॉल्यूशन हम देखते हैं, वे फॉरवर्ड देखते हैं, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं, मतलब जो हम अप्रोप्रिएटली यूज़ करके एक हम आवाम जो है वो एक चेक बना सकते हैं किसके ऊपर, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे पास जो स्टेट मशीनरी है उसके ऊपर। अब उसकी एक मिसाल है 19A, आर्टिकल 19A बेसिकली है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत आप जो है आपको हक है कि आप जो है किसी भी एक पब्लिक सर्वेंट से, किसी भी एक जो है पब्लिक सर्वेंट हो गया या कैबिनेट का बंदा हो गया, कोई भी हो गया, आप उससे इंफॉर्मेशन अक्वायर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट की, किसी भी एक अक्यूरेंस के लिए। तो अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की इंप्लीमेंटेशन कर दी तो हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस आएगा और उसके इंपैक्ट में जो है हमें गवर्नेंस बेहतर मिलेगी। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो चौथा वे फॉरवर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग टैक्स रिजीम का। हमारे पास जो टैक्स रिजीम है वो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं है। लोग जो है टैक्स इवेजन करते हैं, तकरीबन कोई 10 मिलियन से ज़्यादा जो है टैक्स इवेजर्स हमारे पास हैं पूरे पाकिस्तान में, जो यहाँ से अर्न भी करते हैं, जो है किसी तरीके से वो अपना जो पैसा है वो एक्युमुलेट कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे, और उसकी वजह से टैक्स पे नहीं हो रहा तो हमारा जो मुल्क है वो फाइनेंशियल में लेक कर रहा है और उसकी वजह से जो है मिस गवर्नेंस हो रही है। तो अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस आ जाता है, इसके तहत टैक्स का सिस्टम ऑफ आ जाता है, तो जो है हमारे पास फाइनेंसेस ज़्यादा आएंगे, फाइनेंसेस ज़्यादा आएंगे तो एलोकेशन बेहतर हो सकेगी, एलोकेशन बेहतर हो सकेगी तो गवर्नेंस बेहतर होगी। अब उसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, हमारे पास वाटर है, पावर है, पेट्रोल है, हमारे पास गोल्ड निकलता है साइंडिक और रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट से, हम उसको जो है एफिशिएंटली हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, एफिशिएंटली एलोकेशन कर सकते हैं। और उसमें जो है एक मल्थूसियन जो है वो मॉडल है, थॉमस मल्थस जो है एक इकोनॉमिस्ट थे, अब उन्होंने एक मल्थूसियन मॉडल दिया था लॉ ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का। अब उसमें ये नोशन है कि आपका जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो स्कार्स हैं, अब उनको एफिशिएंटली यूज करें, वो हमेशा एक लिमिटेड वे में होते हैं। अब ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है, हमें इसको जो है प्रैक्टिकल मॉडल है लेकिन हमारे यहां पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब उसके बाद हम छठा जो है हमारे पास वे फॉरवर्ड है वो है रूल ऑफ लॉ इंश्योर करने का। अब रूल ऑफ लॉ इंश्योर वो तो हमारे पास पुलिस तो है, हमारे पास जो है हमारे पास जुडिशरी भी है, हमारे पास कोर्टें बनी हुई हैं, लेकिन जो है फिर भी लोग जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से बच के निकल जाते हैं इन लॉस होने के बावजूद। तो इसमें जो है यूटिलिटेरियन मॉडल, जॉन स्टार्ट मिल एक फिलोसोफर थे जिन्होंने एक यूटिलिटी का मॉडल दिया था। अब जिसके तहत ये था कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको इतनी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो आइंदा डिटर करे। तो आप इसको देख लीजिएगा बहुत डेप्थ में थोड़ा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा और ये आपका एक एज ए रेफरेंस भी कोट हो सकता है कि जॉन स्टार्ट मिल ने ये कहा था और इस हिसाब से। अब उसके बाद
हमारे पास ई गवर्नेंस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ई गवर्नेंस की आने की वजह से एक एक आईटी का चेक बन जाता है, आप जो है सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो चीज़ें रजिस्टर पे लिखी हुई होती हैं वो आराम से मैनिपुलेट हो जाती हैं, जो चीज़ें एक कंप्यूटर में सेव है वो एक कंप्यूटर में नहीं, वो पूरे मुल्क के कंप्यूटर सिस्टम में सेव होती हैं, अगर एक जगह से वो एडिट होता है तो दूसरी जगह पर वो वहाँ पर पड़ा हुआ होगा, तो इस हिसाब से ये चेक बन जाता है। तो ये ज़रूरत है कि हमें ई गवर्नेंस जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए, हमारा जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, हम उनको कंप्यूटराइज करें या हम उनको जो है ऑटोमेशन पे लेके आएं। ठीक है, अब उसमें जो है ये रेफरेंस हमने लिया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से, इसका ये एक इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक्स पे काम करता है और गवर्नेंस का एक आर्टिकल था जिससे हमने ये लिया हुआ था। अब उसके बाद जो आठवां जो हमारे पास वे फॉरवर्ड मिलता है वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन का। देखें, पब्लिक एक स्ट्रॉन्ग चेक है हमारे जो है स्टेट मशीनरी के ऊपर, हमारी ओवरऑल स्टेट के अपैरेटस के ऊपर। अगर पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी एक काम में, पब्लिक पूछेगी बंदों से जो वहाँ पे स्टेट की मशीनरी के अंदर बैठे हुए हैं, पब्लिक सर्वेंट्स बैठे हुए हैं, जो है पब्लिक उनसे पूछेगी, अगर पूछेगी तो उस डर से जो है वो एक सीधा काम कर सकते हैं। तो ये एक हमारा वे फॉरवर्ड बन सकता है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंकरेज करें, उनको इंक्रीज करें। अब उसके बाद जो नवा जो है ये एक मॉडल दिया था UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और उन्होंने गवर्नेंस के लिए एक मॉडल बनाया था कि आप ये पांच चीज़ें जो है आप इनको इंश्योर करें आपकी गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अब उसमें पहला है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें इम्पार्ट करनी है जो हमारे स्टेट मशीनरी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी और एज अ स्टेट ओवरऑल सबके ऊपर, और उसके बाद पार्टिसिपेशन जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो ये यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन है, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबनेस, अगर आप कोई भी काम करते हैं अगर वो गलत है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये हो गया हमारा आज का गवर्नेंस और उसके रिफॉर्म्स। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।